हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसीम क्रिएशन। सो इस वीडियो में आपको कुछ इस टाइप का वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ, और इस वीडियो को मैंने एक मोबाइल फ़ोन से शूट किया है और एडिट भी किया है। तो इस वीडियो को मैं बताऊंगा कि कैसे वीडियो को शूट करना है, कैसे एडिट करना है, तो वीडियो को अंत तक देखना एंड चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है। कुछ इस टाइप से मैंने वीडियो को शूट किया, आप देख लीजिए, इस टाइप से मैंने वीडियो को शूट किया है और वीडियो को मैंने काइन मास्टर से एडिट किया है। तो सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। उसके बाद से अपने सिंपली अपने वीडियो को पहले ऐड करेंगे। तो मैं अपने वीडियो को ऐड कर देता हूँ। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और अपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे जिस वीडियो में आपने शूट किया है। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद मीडिया में आएंगे और मीडिया से अपने वीडियो को ऐड कर लेंगे। मैं ओपन कैमरा ऐप यूज़ किया हूँ वीडियो को शूट करने के लिए। तो ओपन कैमरा फाइल में मेरा वीडियो है, यहाँ पर मेरा वीडियो है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। एंड इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको कट कर देता हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट मुझे शूट हो चुका है मैं उसको कट कर देता हूँ। जितना एडिट करना है उतना ही रखूँगा, बाकी सब कट कर दूँगा। और कट करना बहुत ही ईजी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने वीडियो को कट कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद से वीडियो पर क्लिक करेंगे और मैं थोड़ा बहुत इसको कलर ग्रेड कर देता हूँ। तो मैंने कलर ग्रेडिंग थोड़ा बहुत कर दिया है वीडियो के हिसाब से। उसके बाद से यहाँ पर मैं पहला हाथ को ऊपर किया हूँ, यहाँ पर पहला इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो मैं पहले इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ। एंड इस वीडियो में मैं जो भी यूज़ करूँगा, इफेक्ट, म्यूजिक वगैरह, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैंने इफेक्ट को ऐड कर दिया। उसके बाद जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और इसको सिंपली स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक का वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद से आपको आना है क्रॉपिंग ऑप्शन में, मास्क को इनेबल कर देना है और फेदर को फुल कर देना है कुछ इस टाइप से। उसके बाद से इस वाले हाथ पर लाकर लगा देना है और इसको आप बड़ा छोटा भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ाएंगे, इस पोजीशन में मैंने दूसरा हाथ आगे किया है। तो इफेक्ट पे, इसी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको थ्री डॉट का ऑप्शन में आकर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और इस लेयर को यहाँ पर लाकर लगा देंगे। तो ये वीडियो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। ये थोड़ा लेट से आ रहा है, एक मिनट, इसका हाथ पर नहीं किया था मैंने, तो यहाँ पर रख देता हूँ। और ये थोड़ा लेट से आ रहा है तो मैं इसको और आगे कर देता हूँ इस लेयर को, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। उसके बाद से पहले वाले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आएंगे, सबसे लास्ट वाले एनिमेशन को आपको लगा देना है और इसके टाइम को 0.5 कर देना है। दूसरे वाले इफेक्ट के साथ यही एनिमेशन लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आएंगे, सबसे लास्ट वाले एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे और इसके टाइम को 0.5 कर देंगे। तो मैं थोड़ा, तो मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। तो एनिमेशन लगाने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो कुछ इस टाइप से बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद से आपको इस पोजीशन पे आना है और एक और इफेक्ट को ऐड करना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। और लाइट, तो मैंने इफेक्ट को ऐड कर दिया है और ये लाइट PNG है जो ग्रीन कलर का है। इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में आकर इसको भी स्क्रीन कर देंगे और स्क्रीन करने के बाद इसके लेंथ को बढ़ा देंगे। उसके बाद इसको भी थ्री डॉट के ऑप्शन में आकर इसको डुप्लीकेट कर देंगे और एक को इस पोजीशन पे आएंगे, मैं आपको वह दिखाता हूँ, इस पोजीशन पे आएंगे और एक इफेक्ट को हाथ पे लाकर लगा देना है इस पोजीशन पे, आप देख सकते हैं, हाथ पर लाकर इस टाइप से लगा देना है और इसको थोड़ा बहुत फुल कर देंगे। दूसरा इफेक्ट को यहाँ पर आएंगे, इस वाले दूसरे इफेक्ट के साथ ही सामने ही इसको कट कर देना है इसके बराबर ही, और इस वाले इफेक्ट के साथ भी वही एनिमेशन लगाना है जो हमने पहले एनिमेशन लगाया था। तो इन एनिमेशन में आएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे और ये एनिमेशन पे क्लिक कर इसके टाइम को 0.5 कर देंगे। दूसरे वाला एनिमेशन जो बड़ा एनिमेशन है इसके साथ भी ये एनिमेशन लगा देते हैं हम। और लाइट, तो मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये इफेक्ट इधर नहीं लगाया था मैंने, भूल गया था शायद, तो इसको यहाँ पर लगा देंगे और इसको फुल कर देंगे। और फाइनली वीडियो बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड आपको साउंड इफेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपका हैंड का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो की ऑप्शन से, यहाँ पर की ऑप्शन से आप इधर उधर कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। तो वीडियो बनके रेडी हो चुका है, उसके बाद से शेयर बटन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को और पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।